हेलो एवरीवन, पूजाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल फाणू। मूंग दाल फाणू एक पहाड़ी डिश है जो पहाड़ों में बनाई जाती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल फाणू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली थी और उसको भिगो के रख दिया था एक घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। मूंग दाल को हमें ना तो ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, हमें बिल्कुल दरदरा रखना है। मैंने पाव भर से कम पालक लिया है, उसको अच्छे से काट लिया था। एक कटोरी प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, एक कटोरी टमाटर लिया है और 8 से 10 कली लहसुन की उसको कूट लिया था। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून धनिया डालेंगे। ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमें अपना प्याज तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मूंग दाल ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, पालक ऐड करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हमें 5 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, अब हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे।
हमें 30 मिनट हो चुके हैं रखे हुए और ये अच्छे से पक चुका है। हमारा फाड़ू बन चुका है, अब हम इसको किसी कटोरी में या बाउल में निकाल लेंगे। मूंग की दाल का फाड़ू बनके रेडी हो चुका है, हम इसको चावल के साथ सर्व करेंगे या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।